हेलो गाइस, वेलकम टू सोमेल। दोस्तों, आपने थंबनेल पे देखा पर डे $300 कैसे कमाए। ये सिर्फ मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा, लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, ठीक है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझे ये इंस्टा पे बोलते हैं कि भाई आप हमें थोड़ा अर्निंग प्रूफ दिखाओ, आप कितना कमाते हो। लेकिन मैं हमेशा बोलता था कि आगे आएगा वीडियो, और आज आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। उसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो कि प्रो लेवल का टिप्स है, जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अभी मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेट करने वाला है। लेकिन अगर आपको ब्लॉगिंग रेगुलरली सीखना है, ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग वीडियो देखना है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आइकन पे क्लिक करें और ऑल पे दबाएं, ठीक है। दोस्तों, अभी आप लोग ये कर लीजिए, उसके बाद अभी आगे चलेंगे, यानी कि सीधे मैं आपको AdSense का अर्निंग प्रूफ दिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोग अभी देख सकते हो, ये रहा मेरा एक AdSense अकाउंट, जो कि कुछ ही दिन पुराना AdSense अकाउंट है। अभी तक इसका पेमेंट भी नहीं आया है, और अभी आप लोग देख सकते हो इसका अर्निंग प्रूफ, ठीक है। अभी सबसे पहले आप देख सकते हो टू डेज सो फार, नहीं मैं पहले रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आपको मतलब ऐसा ना लगे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा कुछ। यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे रिलोड भी कर देता हूँ, ठीक है। रिलोड हो गया, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे टू डेज सो फार, आप लोग देख सकते हो अभी कितना बना है। यहाँ पे करीब $58 बन चुका है, और येस्टरडे आप लोग देख सकते हो नियर अबाउट $100 था, ठीक है। और ये सिर्फ एक AdSense से आपको दिखा रहा हूँ, और एक AdSense अकाउंट भी दिखाऊंगा, ठीक है, वेट करिए। अभी आप लोग ये देख लीजिए प्रॉपरली, और आप CPC वगैरह देख सकते हैं। और अभी तक देखिए, रिसेंटली मुझे पिन आया है, मतलब अभी तो रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन 11 मार्च को पिन रिलीज हुआ है, जबकि मैंने इसको अभी अपना आइडेंटिटी डाला यहाँ पे, मेरा तो नहीं, मेरा फैमिली मेम्बर का डाला। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे दिस मंथ यहाँ पे बन चुका है $345 आपके सामने, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं रिफ्रेश करके बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। मैं भी थोड़ा लेट बढ़ता है, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे अपडेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक AdSense अकाउंट दिखाया। दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले रिलोड करूंगा ये वाला अकाउंट को। ये अलग एक डिवाइस से मैंने ओपन किया है, आप देख सकते हो रिलोड किया, प्रोसेस चल रहा है, और अभी रिलोड हो भी जाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी देखिए रिलोड हो गया, ठीक है, आप लोग देख सकते हो आपके सामने सब कुछ है, और कंट्रीज देख सकते हो। ये जो वेबसाइट मेनली यूनाइटेड स्टेट पे रैंक कर रहा है अभी के टाइम पे, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रैफिक है। दोस्तों, आप लोग खुद देख सकते हो येस्टरडे का कितना है, $240 है येस्टरडे का, और जो कि मैंने आपको पहला अकाउंट दिखाया था वहाँ पे कितना था, $90 के करीब। तो अगर दोनों को हम लोग मिला लेते हैं तो कितना बन जाता है, $300 प्लस हो जाता है। लेकिन ओनली यही दो अकाउंट मेरा नहीं है, अगर आपको पता लगेगा कितने अकाउंट मेरे पास है। लेकिन आप लोग खुद समझिए, अगर मैं कर पा रहा हूँ देन आप क्यों नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली मतलब दिस मंथ भी आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बन चुका है, 7 डेज का इतना देख सकते हो, और लास्ट जो पेमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, पेमेंट लास्ट पेमेंट हुआ था $100, और आने वाला है $490। तो आप लोग खुद समझ सकते हो ये इसका स्ट्रेटेजी है। अभी के टाइम पे इस पे ट्रैफिक बहुत अच्छा है और अच्छा अर्निंग भी है, तो आप लोग खुद समझ सकते हो, आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। और आपको कुछ आगे में टिप्स बताने वाला हूँ जो कि आपको मस्ट फॉलो करना चाहिए, और हर एक चीज़ पे कंप्लीट गाइड आप लोगों को मिलता रहेगा ताकि आप लोगों का ग्रोथ भी ऐसा हो, ठीक है। तभी चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे अर्निंग प्रूफ देखा दो मेजर AdSense अकाउंट का मेरा, लेकिन क्या ये ओनली दो ही अकाउंट है मेरा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ऐसे 5-6 तक छोटे बड़े AdSense अकाउंट है। छोटे बड़े मतलब किसी में $2 इनकम होता है, तो किसी में $5, किसी में 10, तो किसी में 15। अगर एवरेज लेके चले उन सबको मिला के $30 to $50 बना लेते हैं डेली का, ठीक है, सबको मिला के। तो यहाँ पे बात है कि ऑलमोस्ट अगर टोटल कैलकुलेट किया जाए तो 300 क्रॉस तो हो ही जाता है अभी के टाइम पे। लेकिन बात यहाँ पे है कि आप लोग कैसे करोगे, समझ पा रहे हो? लेकिन उससे पहले यहाँ पे लोगों के मन में कुछ सवाल आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे ज्यादा AdSense अकाउंट मेरे पास है, तो यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि मैं मैनेज कैसे करता हूँ अपने सिस्टम में। तो सबसे पहले लोगों का ये सवाल होता है कि भाई एक सिस्टम में कितने AdSense अकाउंट रखे। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो उसके अंदर में भी आप 4-5 अकाउंट मैनेज कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं 2 डिवाइस में मैनेज करता हूँ मेरा सारा AdSense अकाउंट को, तो कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और आप अपने नाम से तो ज्यादा नहीं बना सकते हो, अपने फैमिली मेंबर के नाम से आप ज्यादा अकाउंट बना सकते हो, कहीं से भी किसी के नाम से भी आप पिन वेरीफाई कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे आपने देखा पर डे $300 इनकम हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे फ्लैशबैक देखो। फ्लैशबैक मतलब मैंने कब से स्टार्ट किया और कितना टाइम मुझे लगा यहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। स्टार्ट करने की बात अगर किया जाए, मैंने 2016 के लास्ट में ब्लॉगर्स वर्ल्ड के साथ स्टार्ट किया था अपना ब्लॉगिंग जर्नी।
तो अगर हम 2017 को लेके चले, यहाँ पे 5 साल बीत चुका है और मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं करता, मैं ओनली ब्लॉगिंग करता हूँ। तो अगर आप लोग भी टाइम दोगे, लोग तो 1 महीने काम करते हैं, 2 महीने करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे पेशेंस चाहिए, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, अगर आप यहाँ पे स्टेबल रहोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन मैं आपको बता दूं, आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो। कंटेंट स्ट्रेटजी पे, नीच चूज करने में बहुत कुछ गलतियां होता है, आप कर रहे हो और लोगों को लगता है भाई हम लोग ना जो वेबसाइट बनाते हैं वो चलता है, मतलब वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बताऊं तो हम लोग अगर 4-5 वेबसाइट बनाते हैं, उसमें से 50% या फिर 30% वेबसाइट सक्सेस होते हैं, बाकी सब वेस्ट जाता है। तो आप लोग भी अगर एक वेबसाइट स्टार्ट कर रहे हो और उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन ऐसा नहीं कि आपने वो सब कुछ सही किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला, कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो। नीच को प्रॉपरली और एक बार एनालाइज करो और दोबारा अच्छे से नीच रिसर्च करके एक अच्छा सा वेबसाइट बनाने के लिए कोशिश करो। दोस्तों अभी बात करते हैं आप लोग पहले दिन से कैसे कमाई करोगे। पहले दिन से कमाई करने के लिए आपको एक ब्लॉगर नहीं, आपको एक कंटेंट राइटर बनना होगा। इस फील्ड में अगर आप ब्लॉगिंग के फील्ड में पैसा कमाना चाहते हो, देन आप पहले दिन से कंटेंट राइटर बनो, ब्लॉगर नहीं। और कंटेंट राइटर मतलब आप अपने वेबसाइट पे लिखो पहले कंटेंट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के वेबसाइट पे कंटेंट लिखो, लेकिन ये बात नहीं है कि आपका वेबसाइट आपको पहले दिन से कमाई करके दे देगा। अभी आप अपने वेबसाइट पे भी कंटेंट लिखते रहो और उसके बाद बहुत सारे लोगों को नीड होता है कंटेंट राइटर, जैसे कि मैं अभी क्या करता हूं, मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है, बहुत सारे वेबसाइट है, तो उनके लिए मुझे राइटर चाहिए होते हैं, तो मैं फ्रेशर लोगों को पिक करता हूं, उन्हें सिखाता हूं, और जैसे ही वो लोग सीखते हैं और लिखते हैं, धीरे धीरे करके उनका नॉलेज भी ग्रो होता है और अर्निंग भी होता है, लेकिन वो लोग जो लर्न करते हैं उसको वो इंप्लीमेंट करते हैं, तो उनका वेबसाइट पे भी उनको रिजल्ट मिलता है। तो वही चीज आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग किसी को पूछ सकते हो काम के लिए, मतलब फेसबुक ग्रुप पे जाओगे तो वहां पे बहुत सारे लोग काम के लिए पोस्ट डालते हैं, उनको राइटर चाहिए, तो वहां से भी आपको काम मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको स्कैमर को देखना होगा, नहीं तो काम तो मिलेगा और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा। और ऐसे करके आप लोग पहले दिन से थ्रू आर्टिकल राइटिंग आप लोग पैसा कमाई कर सकते हो। दोस्तों अभी बारी है प्रो टिप्स की, आप लोग जल्दी कैसे ज्यादा पैसा कमाई कर सकते हो। प्रो टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कि प्रो टिप्स यानी कि ऐसा नहीं कि पहले कभी बताया नहीं, बताया है, लेकिन मैं भी आप लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं, यहां पे समझ लीजिए, ठीक है। रिसेंटली एक बंदे को मैं इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर रहा था, क्योंकि उसने $32,000 निकाला था यही तरीका अप्लाई करके, मैं आपको बताने वाला हूं वो तरीका। पहला पॉइंट है वेब मेंशन, आपको पता होगा, बहुत सारे वीडियो पे आपने देखा होगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, वीडियो कंटेंट का ना बहुत ज्यादा पावर होता है, बहुत ज्यादा पावर। और जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हो, ठीक है, उसी दिन आपको अपना चैनल, अपना प्लेटफॉर्म, वीडियो मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म रेडी कर लेना है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल गाइड चाहिए, देन कमेंट करना, मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। मतलब आप अपना वीडियो प्लेटफॉर्म बनाओ अपने ब्लॉग के लिए और ब्लॉग लिखो, और जैसे ही आपका एडसेंस अप्रूवल होता है, देन आप वहां से वीडियो मार्केटिंग करके ट्रैफिक भेज सकते हो। और इसी मेथड से एक बंदे ने $32,000 कमाया था 1 मंथ पहले, और उसको मैं अप्रोच कर रहा था कि भाई आप आओ चैनल पे, लोगों को मोटिवेट करो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। तो जैसे ही अगर वो रेडी होंगे, देन मैं भी बुलाऊंगा उनको, आप लोगों को और भी बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और पॉइंट नंबर 2 अभी दोस्तों प्रो टिप्स का है, वो है आप लोग वेब स्टोरी डाल सकते हो। वेब स्टोरी मतलब, वेब स्टोरी कितना दिन रहेगा किसी को पता नहीं, तो फिर भी अभी के टाइम पे अगर आपका वेबसाइट पे एडसेंस अप्रूव्ड है, या फिर आप पहले से भी डाल सकते हो वेब स्टोरी, आपको ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, याद रख लीजिए। लेकिन ये कब तक चलेगा कोई बता नहीं सकता। आप पहले जब आप वेब स्टोरी डालोगे तो आपको गूगल प्रमोट करेगा, आपका वेब स्टोरी को वायरल करेगा, ट्रैफिक आएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन होता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रोसेस यही है, क्योंकि गूगल प्रमोट कर रहा है वो चीज को, ठीक है। दोस्तों थर्ड प्रो टिप हर एक ब्लॉगर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे, मैं आपको बताता हूं, सिंपल बात है। अगर आपके पास रेगुलरली विजिटर आ रहे हैं, ठीक है, देन आपको क्या करना है, वो यूजर को कलेक्ट करके रखना चाहिए, ताकि आप उन सबको बाद में यूज कर सको अपने वेबसाइट के लिए, ट्रैफिक दोबारा अपने वेबसाइट पे ला सको एज रिटर्निंग विजिटर। और ये आप कैसे कर सकते हो, थ्रू ईमेल सब्सक्रिप्शन और पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से आप कर सकते हो, उनको कलेक्ट कर सकते हो। और जैसे आप लोग कलेक्ट कर लोगे, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सिंपल बात, एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए आपके वेबसाइट पे मतलब मिनिमम
2 लाख आपने पुश कलेक्ट कर लिया है, ठीक है, 2 लाख पुश कलेक्ट कर लिया है, मतलब ओवर द पीरियड यानी कि 1 ईयर 2 ईयर लगा के। और अभी आप क्या करोगे, जब भी आप पोस्ट डालोगे, अगर आपका 2 लाख पुश यूजर्स हैं, देन जैसे आप लोग पुश नोटिफिकेशन भेजोगे उनके पास, तो वहां पे मिनिमम 1% to 5% यूजर आपके पोस्ट में आ जाएंगे। यानी कि एट ए टाइम अगर आपके कोई भी पोस्ट पे ज्यादा ट्रैफिक आता है तो वहां पे आपको एक बेनिफिट होता है। क्या, मैं आपको बताता हूं, वहां पे आपका जो पोस्ट है गूगल के डिस्कवर फीड में जाने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही आपका पोस्ट गूगल डिस्कवर में जाएगा, तो आप सबको पता है गूगल डिस्कवर का पावर कितना है, एक एक दिन में कितना ज्यादा ट्रैफिक आ सकता है अगर आपका पोस्ट अच्छा होगा। दोस्तों आप लोग ऐसे कर सकते हो, लेकिन यही सिर्फ ओनली मेथड्स नहीं है, और बहुत सारे मेथड्स है जिनको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो रिजल्ट के लिए, लेकिन आपको प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा और उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप हर एक चीज के ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हो, देन कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा। इसके साथ दोस्तों मैं बहुत ही जल्दी डिटेल गाइड लाने वाला हूं, आप लोग जेन्युइनली एक बिगिनर ब्लॉगर कैसे अच्छा अर्निंग कर सकता है, वो सब वीडियो के लिए। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट करें बेल आइकन को, ताकि आपको अगले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था, उम्मीद है कि आप थोड़ा मोटिवेट हुए होंगे। मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।